और इस बीच जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कानोता बांध में 4 लोगों के डूबने की सूचना है। सिविल डिफेंस की टीम इलेक्ट्रिक कलेक्ट्रेट से रवाना हुई है और 5 का ग्रुप कानोता डैम घूमने गया था, जिसमें से 1 व्यक्ति बचा है और 4 लोगों के डूबने की सूचना है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर कानोता बांध में 4 लोगों की डूबने की सूचना मिल रही है। हालांकि सूचना के तुरंत बाद सिविल डिफेंस की टीम जो है वो कलेक्ट्रेट से रवाना हो चुकी है। जानकारी ये कि 5 लोगों का ग्रुप गया था कानोता डैम घूमने के लिए और इनमें से 4 लोग डूब गए हैं, 1 बचा है। लगातार जी राजस्थान भी आपसे अपील कर रहा है, साथ के साथ प्रशासन द्वारा आपसे अपील की जा रही है कि इस वक्त जब बहुत ज्यादा पानी का बहाव है तो ऐसी जगहों पर ना जाए, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो यहाँ पर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और एक और हादसा सामने आया है, कानोता बांध में घूमने के लिए ये लोग गए हुए थे, 5 लोगों का ग्रुप, जिनमें से 4 लोगों के डूबने की सूचना मिल रही है और 1 व्यक्ति बचा है। सिविल डिफेंस की टीम जो है वो तुरंत मौके के लिए रवाना हुई है कलेक्ट्रेट से। लेकिन बड़ी खबर और ये आपको अलर्ट करने की खबर है, सचेत करने की खबर है। आपको पता है मानसून चरम पर है और हर जगह तेज बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं उफान पर है, तमाम जो बांध है वो ओवरफ्लो होकर रिस रहे हैं, वहां से पानी की निकासी की जा रही है। ऐसे में आपको ऐसी जगहों पर नहीं जाना है। सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, जो कि ज्यादा जानकारी हम तक साझा कर पाएंगे। दीपक, कानोता डैम में 4 लोगों की डूबने की सूचना मिल रही है, क्या जानकारी? हेलो जी दीपक। देखिए, 4 लोगों की ये डूबने की खबर है और कानोता डैम है और करीब 24 साल बाद ये बांध है वो छलका है। सिविल डिफेंस की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है और 5 का ग्रुप बताया जा रहा है कानोता डैम है घूमने गया था, जिसमें से 4 लोग हैं उनके वो डूबने की। एसडीआरएफ और जो सिविल डिफेंस है वो मौके पर है, एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, पुलिस है वो वहाँ तैनात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कह सकते हैं कि 24 साल बाद, करीब 24 साल बाद ये डैम है वो छलका है। तो वैसे देखिए 3 दिन का छुट्टी का दिन है और 3 दिन में लगातार लोग हैं यहाँ पर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं और बड़ी चादर है यहाँ पर जब चली है तो लोग, खुशनुमा मौसम है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो घूमने के लिए गए हैं। और करीब 2000 में जो कानोता बांध है ये दूसरी बार है वो छलका है। सबसे बड़ी बात है कि 4 लोगों को अब रेस्क्यू के लिए जो टीमें हैं मौके पर यहाँ पर कह सकते हैं कि पहुंच गई है। और एम्बुलेंस की जो आप तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, एम्बुलेंस है वो पहुंच चुकी है। बांध से सभी लोगों को हटाया गया है क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बड़े इस खुशनुमा मौसम के अंदर, और बड़ी चीज है कि लोग जब टूरिस्ट पैलेस पे जाते हैं तो अपने खतरे जहाँ होते हैं वहाँ अधिकतर लोग जाने की जुगत में रहते हैं, कहीं ना कहीं रिस्क जोन के अंदर चले जाते हैं। और यही कारण रहा कि जब ये लोग गए थे तो रिस्क जोन में चल गए और 4 जो लोग हैं इसके अंदर डूब गए। हालांकि एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर है, वो रवाना कर दी गई है। सिविल डिफेंस टीम है वो भी यहाँ पर रवाना कर दी गई है। और बड़ी बात यह है कि सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट हैं, आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच गए थे। सबसे बड़ी बात है देखिए, ये इसकी जो भराव क्षमता है करीब 17 फीट है और बांध की जो पानी की सीमा है वो 16 फीट 5 इंच की लगभग है। और इसका जयपुर ग्रामीण इलाके के शिव की डूंगरी, चंदलाई, गोगर बांध, रामचंद्रपुरा बांध पर भी चादर है वो चली है। और बड़ी बात ये कि इस बांध में, कानोता बांध में करीब 24 साल बाद, यानी बांध बनने के करीब 24 साल बाद ये दूसरी बार मौका है जब चादर चली है और इस बारिश से करीब 6 इंच पानी की इसके अंदर आवक हुई है। और देखिए अभी हाल में इसको टूरिस्ट पैलेस बनाने के लिए यहाँ पर फंड भी है वो जारी किया गया है और टूरिस्ट पैलेस के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। अशोक गहलोत सरकार ने इसके लिए 2,48,00,000 रुपए का फंड भी दिया था, जिसमें 600 मीटर की लंबा वॉकवे है वो भी बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे जो पर्यटक है जो आनंद उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी उतनी है जितना आनंद है, क्योंकि कई लोग हैं इस बांध में तैरकर एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ रिस्क सुरक्षा है उसका खुद को यहाँ पर ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ का माहौल
और नजारा बहुत शानदार है। जयपुर राइड इसे एंजॉय जरूर करते हैं, लेकिन सेफ्टी भी उतनी ही यहाँ पर रखनी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, एंजॉय जरूर करते हैं और एंजॉय करें भी, आनंद भी उठाएं, लेकिन साथ के साथ अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें कि थोड़े से एंजॉयमेंट के चक्कर में उनकी जिंदगी पर ही बात आ जाए, उनकी जान पर ही बात आ जाए। ऐसे में आपको अलर्ट रहना है, खुद का और अपनों का ख्याल भी रखना है जब आप एंजॉय करने जा रहे हैं। तो दीपक आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अब देखिए रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पर पहुंच रही है सिविल डिफेंस की, और इन चारों जो युवक डूबे हैं उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी।